जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक बुजुर्ग को लात से मारते हुए पुलिस के जवान का वीडियो वायरल हो रहा है। यह जवान आरपीएफ का है या जीआरपी का, यह अब तक पता नहीं लग सका है। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस का एक नौजवान बुजुर्ग को लात घूंसों के साथ जमकर पीट रहा है। घटना गुरुवार की बताई जा रही है। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर यह जवान कौन है और किस वजह से बुजुर्ग को इतनी बेरहमी से पीट रहा है। द खबरदार न्यूज़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार जबलपुर में रेलवे स्टेशन पर एक वृद्ध व्यक्ति की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। बता दें, जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मध्य प्रदेश पुलिस के नव आरक्षक ने एक बुजुर्ग यात्री को जमकर पीटा। आरक्षक ने बुजुर्ग को पहले प्लेटफॉर्म पर गिराया और फिर उसके चेहरे और पेट पर लात घूंसे मारने लगा। इतना करने पर भी जब उसका जी नहीं भरा तो वह बुजुर्ग को प्लेटफॉर्म पर घसीटते हुए पटरी तक ले गया और उसके दोनों पैर पकड़कर कमर पर लातें मारने लगा। इस दौरान आसपास खड़े यात्रियों ने उसे बचाने तक का प्रयास नहीं किया। बता दें, घटना बुधवार दोपहर लगभग 3 बजे की है, जो मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 4-5 की रीवा इंटरसिटी खड़ी थी। इस पूरी घटना का एक यात्री ने वीडियो बना लिया। उसने शुक्रवार को यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। वीडियो के जरिए जबलपुर आरपीएफ और जीआरपी को घटना की जानकारी लगी। प्रसारित हुए 23 सेकंड के वीडियो ने जबलपुर से लेकर भोपाल और दिल्ली में बैठे आरपीएफ और रेलवे के अधिकारियों में हड़कंप मचा दिया है। आनन फानन में आरपीएफ ने पूरी घटना की जांच की। प्लेटफॉर्म में लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग को खंगाला गया। इनकी जांच में पता चला कि आरक्षक मध्य प्रदेश पुलिस का है, जो रीवा में पदस्थ है। इधर तत्काल रीवा पुलिस ने घटना की फुटेज देखने के बाद आरक्षक को निलंबित कर दिया। रीवा पुलिस के मुताबिक मारपीट करने वाले आरक्षक अनंत शर्मा रीवा के थाना लौर में पदस्थ हैं। रीवा एसपी नवनीत भसीन ने आरक्षक द्वारा की गई मारपीट को अमानवीय बताते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और 7 दिन के भीतर घटना की जांच करने के निर्देश दिए हैं। बता दें, मुख्य रेलवे स्टेशन पर बुधवार को इस घटना की खबर ना तो आरपीएफ को थी और ना ही जीआरपी को, जबकि दोनों के जवान स्टेशन ड्यूटी पर यहां तैनात रहते हैं। वीडियो प्रसारित होने के बाद घटना की खबर लगी। आनन फानन में आरपीएफ और जीआरपी ने मामले की जांच की। प्लेटफॉर्म पर लगे कैमरों को घंटों तक खंगालने और प्लेटफॉर्म के विंडो से पूछताछ करने के बाद घटना की जानकारी सामने आई है। बता दें, आरपीएफ ने बताया कि घटना बुधवार दोपहर 3 बजे प्लेटफॉर्म 4-5 पर एएच व्हीलर के पास हुई। आरपीएफ के मुताबिक पीड़ित बुजुर्ग गोपाल प्रसाद थाना करेली जिला नरसिंहपुर का रहने वाला है। बुजुर्ग ने आरपीएफ को बताया कि स्टेशन पर एक व्यक्ति ने उसे गाली दी। इसकी शिकायत उसने आरक्षक से की तो वह नाराज हो गया और उसके साथ मारपीट करने लगा। बता दें, आरपीएफ का कहना है कि वायरल वीडियो में दिख रहा आरक्षक अनंत शर्मा रीवा जिले के लौर थाना में पदस्थ है। वह बुजुर्ग के साथ मारपीट कर रहा था। आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह वीडियो प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक ट्रेन के अंदर से किसी यात्री ने बनाया है। बताया गया, उस समय यात्री के द्वारा सोशल मीडिया में घटना को लाइव चलाया जा रहा था। वहीं आरपीएफ और जीआरपी पुलिस का कहना है, इस सिलसिले में वेंडरों से बात की गई। स्टेशन पर काम करने वाले वेंडरों ने भी माना कि यह घटना हुई है, लेकिन पीड़ित व्यक्ति और पुलिस जवान की पहचान नहीं की जा सकी है। वीडियो में दिख रहा है कि जवान वृद्ध को बुरी तरह से पीट रहा है और घसीटते हुए उसे प्लेटफॉर्म पर पटरी की ओर लटका कर भी पीटता है। घटना को लेकर लोगों में गुस्सा है कि पुलिस का यह व्यवहार बर्दाश्त के बाहर है। मानवीयता की हद है। अगर वृद्ध की कोई भारी गलती भी हो तो उसे इस तरह से पीटना कतई स्वीकार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज़।